हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम वैष्णवी पोरवाल टू रिप्रेजेंट हियर। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस जीएस एकेडमी। आई होप स्टे सेफ एंड हेल्थ। चिल्ड्रन, टुडेज लेक्चर इज 4 एंड पार्ट 1। चिल्ड्रन, वी लर्न अबाउट वर्ड, भाषा और भाषा के रूप। आज बच्चों हम लोग क्या सीखेंगे? मात्राएं। क्या सीखेंगे? मात्राएं। यानी मात्राएं क्या होती हैं? आप लोग जानते हैं कि हम लोग छोटा बड़ा पढ़ते हैं, उन्हीं से मिलकर हमारी ये मात्राएं बनी होती हैं। उन्हीं जो स्वर होते हैं उनसे ही हमारी क्या होती हैं? मात्राएं बनी होती हैं। स्वरों का व्यंजनों से मेल होने पर उनका रूप बदल जाता है। स्वरों का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। यू नो दैट चिल्ड्रंस, आप जानते हैं जब हम लोग स्वरों का व्यंजन के साथ हम लोग क्या कराते हैं? मेल कराते हैं। यानी उनके साथ जब मेल होता है, यानी मिलान होता है, तो उनका रूप बदल जाता है। तो स्वरों का यह बदला रूप ही मात्रा कहलाता है। जब स्वरों के साथ व्यंजन का कोई भी रूप वर्ड मिलता है तो जो उनका बदला हुआ रूप होता है उसे कहते हैं मात्रा। आप जानते हैं बच्चों कि स्वर कितने होते हैं? स्वरों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 11, यानी 11 स्वरों की संख्या होती है। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33, यानी 33 होती है, है ना चिल्ड्रंस? तो अब हम लोग स्वरों का जो मेल है वो देखते हैं कैसे होता है। आ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है, यानी जो छोटा आ होता है उसकी मात्रा नहीं होती है। बाकी जितने स्वर होते हैं स्वरों की संख्या 11 होती है, और 11 संख्या में एक जो छोटा आ होता है उसकी मात्रा नहीं होती है। यानी स्वर हमारा क्या है? छोटा आ, मात्रा चिन्ह कोई नहीं। अब चित्र है, हम लोग देखते हैं क्या है चिल्ड्रन? कमल है ना, और मात्रा चिन्ह युक्त शब्द क्या है? कमल। यानी जो छोटा निकल रहा है कमल, यानी अभी मात्राओं मात्रा के साथ हम लोग व्यंजन का मिलान कर रहे हैं। अब ये कामाला जो है ये क्या है चल बच्चों? ये है व्यंजन, ये व्यंजन के शब्द हैं, है ना? का, यानी का निकल रहे हैं हम लोग मुंह से, का मा, यानी आ निकल रहा है मेरे मुंह से। तो ये आधे आधे स्वर होते हैं, इनका जब ये जब दो स्वर मिलते हैं तब एक अक्षर बनता है, ठीक है चिल्ड्रन? यानी मा, यानी इसमें हम लोगों ने क्या लगा दिया है? ये आधा आधा जब दो वर्ण मिलते हैं तब हमारा एक शब्द बनता है, यानी तभी हमारे मात्रा से हम लोग शब्द बनाते हैं। जो भी अक्षर होगा वो हमारा कितने से बनता है? दो से, यानी का मा ल। ओके चिल्ड्रंस, नाउ सेकेंड, बड़ा। बड़ा का मात्रा क्या होती है? यानी एक डंडा, ठीक है? ये क्या है चे बच्चों? माला, मा ला, यानी मा, और ये आ, यानी मा, यानी आ निकल रहे, ला यानी ये ला, और फिर हमने बड़ा लगाया तो क्या मिल गया? यानी जब हमारा स्वर का व्यंजन के साथ क्या होता है? मेल होता है, तब वो मात्रा कहलाता है, यानी मात्रा बनता है। तो ये मात्रा बन गई आपकी, तो ये क्या बन गया? माला। अब छोटी इसे देखते हैं, छोटी यानी छोटी की मात्रा कैसी होती? डंडा, और लेफ्ट हैंड साइड से उसको राउंड करते हैं। अब यहाँ फिगर में देख रहे हैं क्या है बच्चों? हिरन। क्या है? हिरन। तो छोटी की मात्रा क्या होती है? ये, ठीक है, ही। पहले हमने ही निकला, पहले मात्रा आ रही है, तो पहले मैंने हा लिखा, उसके बाद मात्रा आ रही है ही। ई निकल रहा तो मैंने ई को लिख दिया रा, रा यानी रा ना, हिरन। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी सेकेंड, बड़ी। बड़ी मतलब राइट हैंड साइड को इसको राउंड करते हैं, यानी मात्रा चढ़ाते हैं। ये बच्चों क्या है?
तीर, क्या है? तीर। तो यहाँ हम लोग शब्द में देखते हैं यानी चिन्ह में देखते हैं, ये क्या है? तीर। ये तीर फिगर बना था, फिगर बना, फिर मैंने इसका शब्द पढ़ा तीर। इसके बाद ती, फिर ये बड़ी की मात्रा तभी तो चढ़ी है बाद में, बड़ी की मात्रा, फिर रा, फिर छोटा, तो क्या बन गया इससे? तीर। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट देखते हैं छोटा ऊ, छोटा ऊ। तो छोटा ऊ को मात्रा कैसे बनती है चिल्ड्रन, देखते हैं। यानी नीचे से ये घुमा देना है, ठीक है? तो ये क्या है बच्चों? रावण की मेले में देखते हैं दशहरा किसको मारा जाता है, ऐसे रावण को कैसे मारते हैं? धनुष से, धनुष से तीर चलाते हैं। तो ये क्या है बच्चों? धनुष। फिर ये क्या है? ये मैंने फिगर देखा, फिर इसके बाद मैंने इसका नाम लिखा, ये क्या है? धनुष। धा आ यानी धा, फिर नुस, नुस यानी ना, ना में छोटू की, फिर ना, फिर छोटू लिखा, उसके बाद स, धनुष से। ओके चिल्ड्रंस, फिर नेक्स्ट देखते हैं बड़ू। बड़ू क्या है? बड़ू की यानी बड़ू, छोटा ऊ के बाद क्या आता है? बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ में इसका अपोजिट साइड कर देंगे, ये सिक्स को नीचे साइड लिख देंगे, ठीक है? ये बच्चों क्या है? आप लोग देखते भी हैं गांव में होता है कुआं, क्या है? कुआं। इसको कुआं को बोलते हैं कूपक, क्या बोलते हैं? कूपक। कु या फिर बड़ू की मात्रा इसमें चढ़ी है का में, उसके बाद मैंने बड़ू की मात्रा चढ़ा दी, यानी जो ये मात्रा होती है जब इसका हम लोग मात्रा के साथ चिन्ह के साथ व्यंजन करते हैं तो इसमें ये व्यंजन जुड़ते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी स्वर अलग होते हैं, व्यंजन अलग अलग होते रहते हैं, ठीक है? का फिर उ प यानी फिर आ, फिर का, फिर आ, कूपक। फिर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों ये क्या है? ऋषि, क्या है? ऋषि। तो ऋषि की मात्रा क्या होती है? यानी छोटा सा सर्कल, आधा सर्कल, ठीक है? तो आप ये क्या देख रहे हैं बच्चों? पेड़, यानी पेड़ को जिसमें हम लोग क्या निकलते हैं? आम, है ना? आम, अमिया से मिलकर बनते हैं आम, है ना? तो ये सब क्या है? वृक्ष। वृक्ष को ही हम लोग कहते हैं पेड़। तो वृक्ष यानी बा बनाया, उसके बाद मात्रा, फिर छ। अब हम लोग देखते हैं मेल, फिर बा, बा यानी फिर ये क्या है? मात्रा लगी है, तो फिर उसके बाद मैंने मात्रा चढ़ाई छ, यानी जो ये वर्ड होता है मैंने आपको बताया है, ये जो छ होता है ये हमारे किससे बनता है? यानी वे दो व्यंजनों और एक स्वर की सहायता से मिलकर बनता है, ये क्या है? वृक्ष। फिर नेक्स्ट देखते हैं ए से, एनक भी होता है, सॉरी ए से एडी, यानी ए से एडी की मात्रा क्या है? ये नाइन को पहले हम लोग ऐसे बनाते हैं, अब इसको थोड़ा घुमा देना है, तो दिस इज अ रॉन्ग, दिस इज अ राइट। तो ये क्या है जिसमें छुक छुक गाड़ी है? छुक छुक गाड़ी को क्या कहते हैं? रेल, क्या कहते हैं? रेल। तो रेल में क्या है? रेल यानी रेल में रा, फिर ए, ला, फिर आ, तो इससे क्या मिल गया? यानी हमारा जो मात्रा चिन्हों के साथ व्यंजन है वो हम लोग मिला रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, अब बच्चों देख रहे हैं ये क्या है? ऐसे यानी ये ऐनक है, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? पैर है। तो ऐनक की मात्रा क्या होती है? जिसमें दो मात्रा होती है, नाइन को हम लोग दो बार लगाते हैं, है ना? तो पैर, तो मुँह से निकल रहा पैर,
पैर में मैंने दो मात्रा लगा दी, उसके बाद पा, फिर ए, यानी जो मात्रा वाला है वर्ड उसको हम लोगों ने स्वर में लिखा, फिर रा, फिर आ। फिर नेक्स्ट देखते हैं ओ। ओ में क्या होता है, डंडा और नाव, नाइन को घुमा देना है। तो ये क्या है बच्चों, मोर है ना, ये क्या है, मोर, मोर निकल रहा है मुंह से, मोर, मा, ओ, रा, मोर। ठीक है, लास्ट देखते हैं औ, यानी डंडा और उसमें दो नाइन को घुमा देना है ना। तो ये क्या है, नौका, क्या है, नौका, यानी जब नाव चलाते हैं तो नाव में जब हम लोग आगे बढ़ाना होता है तो वो किसकी सहायता से बढ़ाते हैं, नौका। ठीक है, एक डंडा होता है उसको पानी को आगे आगे फ्लो करते हैं, नौ का, यानी ना, औ, यानी औ को हमने सर में लिखा, का, का, फिर बड़ा, मुंह से निकल रहा है ना का। अब बच्चों जो हम लोग मात्राएं लगाना सीखते हैं, आ, ई, ओ, औ और औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती है, यानी जो हमारी मात्राएं होती हैं वो व्यंजनों के बाद लगती हैं। जो सर होते हैं जैसे बड़ा, छोटी, ओ और औ, ये मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं, जैसे राम, तीर, कोट, दौलत। ओके बच्चों, फिर सेकंड, जो ई की मात्रा होती है वो व्यंजन से पहले लगती है, कैसे लगती है, व्यंजन से पहले, जैसे गी, री, दिन, ये सब व्यंजन पहले बाद में है और व्यंजन से पहले ही मात्रा है। सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट होता है आपने स्वर जान लिया, और अब स्वर की मात्राएं को बहुत लर्न करना ज़रूरी है। ओके बच्चों, फिर छोटा उ, बड़ा उ और ऋषि की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। जो छोटा उ और बड़ू उ और ऋषि की जो मात्राएं होती हैं वो व्यंजन के नीचे लगती हैं, यानी जो वृक्ष है ना, धनुष है ना, तो जैसे कुल, दूध, नब, ये सब क्या है, ये व्यंजन के नीचे, यानी ये व्यंजन है उसके बाद ये नीचे लगी हुई मात्राएं। फिर नेक्स्ट, ए और ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। जो ए होता है ना, ऐसे एड़ी और ऐसे ऐनक की जो मात्राएं होती हैं वो व्यंजन के ऊपर लगती हैं, जैसे पहले व्यंजन लिखा हुआ खा और फिर उसके ऊपर मात्राएं, तो फिर ला, तो उससे क्या मिल गया, खेल, सैर। तो इन 11 स्वरों की सहायता से, और व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 33 स्वरों की सहायता, यानी 33 व्यंजन की सहायता से और 11 स्वरों की सहायता से हमारे क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, है ना, अक्षर बनाना हम लोग बनाते हैं, यानी जो जो भी हम लोग कम मात्राएं जैसे बनती हैं ये सब हम लोग इनसे बनाया करते हैं। स्वरों का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। ओके चिल्ड्रंस, आई होप अंडरस्टैंड। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज। अब हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ते हैं, सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। स्वरों का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है, अभी मैंने बताया जब स्वरों का मेल व्यंजन के साथ होता है तो स्वरों का रूप कैसा होता है, बदला होता है, जिससे कि स्वरों का रूप बदल जाता है तो वो क्या कहलाता है, मात्रा। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी रीड सेकंड क्वेश्चन। किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, बड़ा की तो मात्रा होती है, छोटी की भी मात्रा होती है, तो मात्रा किसकी नहीं होती है, आ की नहीं होती है, तो दिस इज़ अ राइट आंसर। नाउ वी रीड थर्ड क्वेश्चन। ये किसमें है, जिसमें वन डंडा बनाया था और दो नौ को घुमा दिया था, ये भी बताया मैंने। लास्ट वाला क्या था, किस स्वर की मात्रा है, ये किस स्वर की मात्रा है, ओके फर्स्ट राइट आंसर। ओके, नाउ वी रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। सही मिलान कीजिए, ये लिखा है काजू, तो काजू
काजू लिखा है तो इसमें कौन कौन सी मात्रा आई है? का यानी पहले आया है, उसके बाद जू यानी फिर उ आया है, छोटा उ आया है या बड़ू? तो बड़ा उ। अब आप पहले देखो कि बड़ा आया कहाँ है, बड़ा यहाँ है लेकिन यहाँ बड़ा उ नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये तो ऋषि है, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये अ है, ये भी रॉन्ग, ये भी ओ। तो राइट आंसर इज बड़ा आ। देखो इसमें बड़ा आ का यूज़ हुआ है और बड़ा ओ की मात्रा का, तो ये हो गया दिस इज़ अ राइट आंसर। फिर लिखा है नौ का, तो ये किसकी मात्रा है? ओ। अब ओ देखते हैं, का ओ देखते हैं और बड़ा आ देखते हैं। अब देखते हैं ओ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है ओ है और क्या देखना था? बड़ा, तो इसको इससे मिला दिया। फिर देखते हैं थैला, थैला तो जिसमें दो ऐसी मात्राएं होती हैं वो किसकी मात्राएं होती हैं? ए से एनक की, और ला यानी जिसमें ए से एनक हो और क्या हो? आ, बड़ा। तो जिसमें ए से एनक हो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या? ये वाला। फिर लिखा है जाली, यानी इसमें बड़ा बड़ा पहले आना चाहिए उसके बाद बड़ी, तो इसको इससे मिला दिया। फिर लास्ट वाला कृपा, देखो इसमें ऋषि की मात्रा आई और ये बड़ा। ओके, आगे बात समझ में? ऐसे आपके ये मात्राएं को मिलाया जाता है। नाउ वी रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए स्वरों को मात्राएं लगाकर शब्द बनाइए, ये क्या है जिससे आप छोटे हुए खेलते थे? गुड़िया, गा दे दिया गया है, फिर ऊ, फिर ला, फिर ई, फिर या। तो गुड़िया कैसे बनाएंगे? पहले मैंने गा लिख दिया ये, फिर छोटा ऊ की मात्रा ही गा पे लगाएंगे, फिर आधा डा बनाए भी, डा बना दिया, फिर ई छोटी की मात्रा लगा देंगे, फिर या डंडा है, क्या बन गया? गुड या। ओके बच्चों, ये क्या है? बकरी, यानी पहले क्या बना है? बा, फिर यहाँ पर तो छोटा है तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, फिर का है, का के बाद फिर छोटा आ बना है तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, फिर रा, फिर उसके बाद बड़ी लिखी है तो बड़ी की मात्रा क्या होती है? ये राइट हैंड से घुमा देते हैं, ये क्या है? चार पाई, तो चा, चा के बाद क्या, किसकी क्या लिखा है स्वर में? बड़ा, तो बड़ा का मात्रा होती है ना डंडा, फिर रा, रा के बाद आ की कोई मात्रा नहीं होती है, फिर पा, पा के बाद बड़ा लिखा है, बड़ा, बड़ा का डंडा होता है, फिर बड़ी, चार पाई। ओके, अब आप बोलते हैं कि आई की ई की मात्रा क्यों नहीं लगाई? क्योंकि ये किसी पे नहीं आई है तो इसलिए मैंने इसको एज यूजुअल नोट कर दिया है। ओके, अब नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उचित मात्राएं लगाइए। चिल्ड्रन, ये क्या है? ये आप खाते हैं, इसके अंदर एक गुठली होती है, हैं लीची, तो ली बड़ी की मात्रा, ची, ये क्या है बच्चों? गाय हमारी माता, तो ये कौन है? गाय, तो ये डंडा खींच दिया गाय। ये क्या है बच्चों? काँ काँ करता है जो, कौआ, यानी कौ यानी ओ निकल रहा है ना, फिर आ, कौआ। फिर ये कौन है? सोल्जर यानी सैनिक है ना, सी पा ही। फिर हथौड़ा, ये इसको हथौड़ा भी बोल दो और हथौड़ी भी बोल सकते हैं। ओके, ये क्या है? टोपी। ओके चिल्ड्रंस, योर चैप्टर 4 इज कम्प्लीटेड
एंड ऑल ऑफ़ यू लर्न दिस चैप्टर एंड फिल योर एक्सरसाइज। आप सभी लोग अपना अपना वर्क को कंप्लीट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। ओके चिल्ड्रंस, बाय, टेक केयर।